नमस्कार, आप देख रहे हैं थार मीडिया। मैं हूं अस्कर अली। आज हमारे साथ हैं लोनकनसर से वार्ड नंबर 7 से नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य महिपाल जी राठौड़। आज हम जानेंगे कि क्या रहा इनका जीत का प्लस पॉइंट, क्योंकि इस चुनाव में जहां कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, वहीं इन्होंने निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी थी और वार्ड नंबर 7 से जीत गए और इन्होंने लोगों से बहुत सारे वादे किए। तो आज हम जानेंगे इनसे कि क्या चुनाव जीतने के बाद इन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं, क्या उन पर ये कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महिपाल सिंह जी राठौड़ को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोनकनसर की जनता, तमाम जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनाव में लोनकनसर के छोटे से बच्चे से लेकर युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों सब में मेरे प्रति वोट देने का बड़ा ही उत्साह मैंने देखा है। तो तमाम वार्ड नंबर 7 के तमाम वोटरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव में हर प्रत्याशी ने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने भी अपने विजन रखे थे लोगों के सामने। चुनाव अब आप जीत गए हैं, तो क्या अब आपके सामने लोनकनसर की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं रहेगी जिनका समाधान करने का प्रयास आप सबसे पहले करवाने का प्रयास करेंगे? लोनकनसर में काफी समस्याएं हैं और मैं तो इन समस्याओं और जनता के बीच काफी सालों से जनता के बीच हूँ। लोनकनसर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा एक बहुत बड़ी समस्या है। लोनकनसर तहसील के तमाम गाँव के नीचे लोनकनसर की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकमात्र चिकित्सालय है, उसमें चिकित्सा स्टाफ की बहुत ही बड़ी कमी है। प्राथमिक उपचार के अलावा किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, डिलीवरी की भी बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। घायल व्यक्ति भी वहाँ पहुँचते हैं तो उनको फर्स्ट एड के बाद तुरंत बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। चिकित्सा व्यवस्था सुधार में मैं काफ़ी प्रयास करूंगा। बात करें पानी बिजली की, तो पानी बिजली जल निकासी की समस्या लेकर आपके क्या विचार है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह लगभग सीवरेज की समस्याएं हैं। हल्की सी अगर बारिश हो जाती है तो गलियां पानी से भर जाती है। पानी और बिजली, सड़क, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं कि हर चुनाव में ये आगे रहते हैं, ये बड़ी समस्याएँ हैं। और लोनकनसर की भी जो समस्याएं हैं पानी और बिजली की, अगर अधिकारी और प्रतिनिधि चाहें तो ये कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, ये समस्याओं का समाधान हो सकता है और मैं भी जरूर प्रयास करूंगा इन दोनों तीनों समस्याओं का समाधान करने का। इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गज आपके सामने थे और आप एक निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी थे, तो क्या लगता है आपको कि लोनकनसर की जनता ने निर्दलीय को ही क्यों पसंद किया, आपको ही क्यों विजय बनाया, इसके पीछे क्या जीत का फैक्टर मानते हैं आप? लोनकनसर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 की जनता ने मुझे बहुत ही भारी मतों से जीत कर अपने बीच में चुना है। उसका रीज़न यह भी रहा है कि पार्टी के जो नेता और प्रतिनिधि जीतने के बाद बंद कमरों में बंद हो जाते हैं, ऐसे में जनता के बीच कम रहते हैं और मैं काफ़ी सालों से 24 घंटे कोई भी कार्य, आपातकालीन स्थिति हो चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, मैं 24 घंटा लोनकनसर की जनता के बीच मौजूद रहा हूं, इसीलिए लोनकनसर की जनता ने मुझे चुना है। जाते जाते आप लोनकनसर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोनकनसर की जनता को धन्यवाद के साथ ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी आपको कहीं भी जरूरत पड़े आप निसंकोच मुझे 24 घंटे में कभी भी फोन करें, मैं आपके बीच हाजिर रहूंगा, आपके हर सुख दुख में मैं आपका साथ दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थे हमारे साथ लोनकनसर के वार्ड नंबर 7 से जो अभी नव निर्वाचित सदस्य हैं, इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यकाल में वार्ड की समस्याएं हैं उसका समाधान का मैं पूरा प्रयास करूंगा और जनता को साथ लेकर चलूंगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि मैं जनता के साथ हर तरह से हर प्रकार के सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।